हेलो नमस्ते, आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप को डॉक्टर या लेबोरेटरी में कैसे पहचाना जाता है कि ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है या बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है या ए बी है या ए बी माइनस है या ओ पॉजिटिव है या ओ माइनस है, इसे कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में जानेंगे। और कौन सा ब्लड किस व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, बी पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है और ए बी डोनेट किसको कर सकता है या ओ पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। आपने पहले बस चैनल विजिट किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग मोड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप क्यों पता होना चाहिए। आप या आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो उन्हें सबसे पहले अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सीवियर प्रॉब्लम हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या अचानक से उनकी बॉडी में बहुत एक हीमोग्लोबिन की डिफिशेंसी हो जाए तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो उनको भी अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप उनको अपना ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हो या ब्लड डोनेट कर सकते हो। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि लेबोरेटरी में कैसे ब्लड ग्रुप को पहचाना जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ब्लड ग्रुप क्या होता है और डॉक्टर इसे कैसे पता करता है कि इस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। चलो 3D एनिमेशन से इसके साइंस को समझते हैं। देखो, हमारा ब्लड इन चार चीजों से बना होता है। पहला, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स दो प्रकार का होता है, एक ये कोन शेप का और दूसरा ये कर्व शेप का। ठीक इसी प्रकार से ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, एक ये कोन शेप का और दूसरा ये कर्व शेप का। कोन शेप के एंटीबॉडी को ए टाइप का एंटीबॉडी कहा जाता है और कर्व शेप के एंटीबॉडी को बी टाइप का एंटीबॉडी कहा जाता है। अब जिस इंसान के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये कौन शेप का एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, क्योंकि ये कौन शेप का एंटीजन ए टाइप का दिखता है, इसलिए इस तरह रेड ब्लड सेल्स वाले इंसान को ए ब्लड ग्रुप में रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से जिस इंसान के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये कर्व शेप का एंटीजन पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप बी होता है, और जिस इंसान के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस में कौन और कर्व दोनों टाइप का एंटीजन पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और जिस इंसान के रेड ब्लड सेल्स में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब आपको पता चल गया कि लेबोरेटरी में कैसे ब्लड ग्रुप को पहचाना जाता है या ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में पता है आपको। अब हम ये जानते हैं कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किन व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकता है या बी पॉजिटिव वाला किसको डोनेट कर सकता है या बी निगेटिव वाला व्यक्ति किन व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकता है या ए बी वाला भी किन व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकता है या ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किन किन व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसके बारे में। अब आपको पता चल गया कि ब्लड ग्रुप कैसे पहचाना जाता है और ब्लड ग्रुप किन किन व्यक्तियों को ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए और क्यों पता होना चाहिए इसके बारे में पता है, और ब्लड ग्रुप किन किन व्यक्तियों को डोनेट कर सकते हैं इसके बारे में पता है। आपको अब संपूर्ण जानकारी हो चुकी है ब्लड से रिलेटेड। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माई फ्रेंड।